प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोल जारी है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के कई सांसद विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कांग्रेस को इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। इस इलाके में धारा 144 लागू है। उधर कांग्रेस दफ्तर से मार्च निकाल रही प्रियंका गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। बता दें, दिल्ली के अलावा यूपी के कई जिलों में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लखनऊ, चंदौली, दिल्ली, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सभी जगह कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। यूपी के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है या फिर नजरबंद किया है। उधर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बेटी को भी हिरासत में लिया गया है। तो कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। लखनऊ, चंदौली, दिल्ली, गोरखपुर, सुल्तानपुर, सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस आज ब्लैक फ्राइडे मना रही है और ब्लैक फ्राइडे के साथ ही साथ प्रदर्शन किया जा रहा था। लगातार आवाज उठा रही बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, जहां एक तरफ कांग्रेस हेराल्ड मामले को लेकर जिस तरह से सोनिया गांधी पर जांच चल रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, उसको लेकर भी विरोध जताती हुई नजर आई थी। पिछले दिनों भी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी, तो वहीं आज ब्लैक फ्राइडे मनाते हुए कहीं ना कहीं महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और पूरे देश में कांग्रेस द्वारा हल्ला बोल किया जा रहा है। और इस खबर में हमारे साथ सुल्तानपुर से संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर बात करी जाए सुल्तानपुर की, तो वहां पे आज कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपको बता दें लगातार कांग्रेस द्वारा महंगाई का विरोध प्रदर्शन रहा। यहां तक भी जो है बता दें आपको, भाजपा के ऊपर जो है तानाशाही को लेकर भी जो है कदम से कदम आवाज उठाती गई है। वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए, आज कांग्रेस द्वारा इतना जबरदस्त प्रदर्शन रहा, यहाँ पर जो है भाजपा के खिलाफ को जो है एक साधा निशाना देते हुए जो है उनका एक कहना ये हुआ, लगातार भाजपा द्वारा जो महंगाई हो रहा है या जीएसटी पे हो रहा है या नोटबंदी को लेकर हो गया, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो आज आवाज उठाकर प्रदर्शन किया गया है। जी आशुतोष, अगर बात करी जाए नेताओं की, तो वरिष्ठ नेताओं की अध्यक्षता में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हल्ला बोल किया जा रहा है। तो कहीं पे लोगों को नजरबंद कर दिया गया है प्रमुख नेताओं को, और कहीं पे उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो सुल्तानपुर की क्या तस्वीरें देखने को मिली? जी हालांकि बता रहे हैं आपको, धारा 144 लागू है। यहाँ पे प्रशासनिक द्वारा जो है कांग्रेसी को जो है नजरबंद कर लिए हैं और कुछ एक्शन भी लेने के मूड में है, लेकिन आगे क्या और रणनीति आती है वो प्रशासनिक हिसाब से कार्रवाई तो अभी जो है कुछ पूरा खुल के नहीं आया है। जी आशुतोष, अगर प्रदर्शन की बात करी जाए तो ये प्रदर्शन कहाँ देखने को मिला और कहाँ से कहाँ तक मार्च निकालते हुए कांग्रेसी नजर आए? क्या उनको अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने इस प्रदर्शन को और बढ़ाने की कोशिश की? जी सूत्रों के अनुसार अगर मुताबिक बात करते हैं, ये अनुमति की बात होती है, अनुमति जहाँ तक दी गई होगी या नहीं भी दी गई होगी, लेकिन 144 है और भाजपा के खिलाफ कोई प्रदर्शन करना या विरोध प्रदर्शन करना या महंगाई को लेकर करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी कुछ असर पड़ता है या अधिकारियों पे भी असर पड़ता है। कहीं ना कहीं नौकरी को बात की जाए, नौकरी को खतरे के लिए नौकरी भी जो है खतरे में जा सकती है। वही अगर बताते चले कि सुल्तानपुर के कांग्रेस कमेटी से निकलकर कलेक्ट्री गेट पर आकर जो है धरना प्रदर्शन जबरदस्त वहीं पर बैठ के किया है। जी बिल्कुल, इस खबर में हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, दिल्ली और गाजियाबाद में क्या कुछ देखने को मिला, क्योंकि आज कांग्रेस ब्लैक फ्राइडे मना रही है, जहां दिल्ली में तो काफी जोरदार हंगामा किया कांग्रेस ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को हिरासत में ले लिया गया है, गाजियाबाद के भी हाल जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार सुबह से ही एक तरह से कांग्रेस ने आह्वान कर दिया था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा खास तौर पे ये था कि हर एक क्षेत्र को घेरना है, हर एक उस जगह को घेरना है जहां पर जिस तरह से बेरोजगारी
और लगातार जीएसटी की महंगाई को लेकर खासतौर पे इस मुद्दों पर लेकर आज कांग्रेस किस तरह से घेराव कर रही थी, सबसे ज्यादा इस समय पर दिल्ली जंतर मंतर पे देखने को मिला। उसके बाद हम कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पर बैरिकेडिंग कर दी गई, सुबह से ही पुलिस मुस्तैद थी, साथ ही साथ धारा 144 भी लगा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं और पूरे जितने प्रदर्शनकारी थे कांग्रेस के उनको साफ तौर पे वहां पर रोका गया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ी भीड़ उग्र हुई। उसके बाद जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने वहां से एक बैरिकेडिंग से छलांग लगाने के तरफ मूव करने लग गई धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं साथ ही साथ उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वो भी उनके साथ आगे, काफी इस तरह से लगातार कांग्रेस महंगाई और जीएसटी के मुद्दे को लेकर खासतौर पे पूरे दिल्ली और पूरे बात की जाए गाजियाबाद में, तो अभी गाजियाबाद में ये कॉल कार्यकर्ता है उनके द्वारा भी देखने को मिला, क्योंकि उनके जो नेता हैं सोनिया गांधी हैं या उनसे राहुल गांधी है, जिस तरह से ईडी लगातार हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यही आ रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दे को कहीं ना कहीं एक जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर खासतौर पे सड़कों पे उतर रहे हैं। जी प्रवीण, क्या लगता है कि सिर्फ ब्लैक फ्राइडे मनाया जाएगा उसके बाद इस मामले को ठंडा कर दिया जाएगा या फिर कांग्रेस द्वारा इसको आगे भी संचालित किया जाएगा? देखिए जिस तरह जिस समय पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था, मीडिया को संबोधित किया था, तो उन्होंने खासतौर पर यह बता दिया था कि आज जिस तरह से बेरोजगारी और जीएसटी को जिस तरह से भाजपा सरकार और मोदी गवर्नमेंट जिस तरह से लोगों को और गरीबों को जिस तरह सता रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब्जी के दालों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर काफी चिंता जताई उन्होंने। और खासतौर पर यह भी कहा है कि नेशनल हेराल्ड जिस तरह से वो एक नेशनल पेपर है, वो कंपनी है, कहीं ना कहीं उन मीडिया संपादकों को, उन मीडिया के मालिकों को भी उन्होंने जताया कि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को, इस आवाज को उठाइए, नहीं तो आपको भी कभी किसी मामले में दबाया जाएगा और आपके ऊपर भी इस तरह से मुकदमे किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक रुख सामने देखने को मिला। वहीं बात की जाए प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो प्रियंका गांधी जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया तो कहीं ना कहीं उनको सड़क पे बैठना पड़ा, लोगों ने घेराबंदी कर ली, उनके समर्थकों ने घेराबंदी कर ली वहां पर, महिला पुलिस ने काफी उनको समझाया और उनको ये भी कहा कि आप इस तरह से धारा 144 के अंदर में इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, वरना आपकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ उनके समर्थक थे, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनको हिरासत में भी लिया गया। यहाँ बात की जाए मेरठ से भी मनोज त्यागी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, तो वो भी साथ में उनके राहुल गांधी के साथ में जुटे हुए थे, तो उनको भी हिरासत में लिया गया। तो ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं जिनको हिरासत में अब ले लिया गया है, उनको सेफ जगह पर कहीं पर रखा गया, अभी तक ये नहीं जानकारी मिली है कि कहां ले गए उनको। हो सकता है कि उन्हें थाने बैठाया जाए, कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया जाएगा जिस तरह से मामला शांत हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे और आशुतोष जुड़े थे सुल्तानपुर से। तो तस्वीरें हम देख सकते हैं, हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश में आज कांग्रेस का हल्ला बोल है, ब्लैक फ्राइडे के नाम से मना रही है कांग्रेस आज का दिन। और आज के दिन में खास बात यह है कि कांग्रेस दो अहम मुद्दे उठा रही है जनता से जुड़े हुए, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है उसको लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। तो वहीं जब प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया तो प्रियंका गांधी का साफ तौर पे कहना था कि मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं, मेरी जिम्मेदारी है जनता की आवाज बनना और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को उठाना, मैं चुप नहीं बैठूंगी। गोरखपुर सुल्तानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से आज ब्लैक फ्राइडे मनाने की बात कही गई थी उसको देखते हुए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को आज नजरबंद किया गया। तो वहीं दिल्ली में अलग ही नजारा देखने को मिला, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रियंका गांधी बैठकर धरना प्रदर्शन करती नजर आई और उनको समझाया गया कि धारा 144 लागू है, ब्लैक फ्राइडे मनाने की, प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कहीं पे भी कांग्रेस को अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन अगर धारा 144 लागू होने के बाद भी जिन नेताओं ने प्रयास किया कि वो सड़कों पर उतरे धरना प्रदर्शन करे, तो उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में काफी हंगामा देखने को मिला आज सुबह से ही, तो वही सुल्तानपुर, गोरखपुर, चंदौली, लखनऊ, साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज कांग्रेस ने हल्ला बोल किया है, प्रदर्शन करने की कोशिश करी और धरना प्रदर्शन करते हुए कई जगह पे नजर आए, सड़कों पर लेटे हुए नजर आए कई कांग्रेसी नेता, तो कई कांग्रेसी नेता सड़कों पर बैठे हुए नजर आए, नारेबाजी करते हुए नजर आए सरकार के खिलाफ।
और इस खबर में हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से विभांशु और गोरखपुर से हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गोरखपुर में क्या देखने को मिला? आज लगातार प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस का, कई नेताओं को नजरबंद किया है, कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, गोरखपुर में क्या देखने को मिला हिमांशु? कांग्रेस का आज महंगाई को, जीएसटी को और एलपीजी के बढ़ते हुए दामों और तेल को लेकर के है, पूरे देशव्यापी आज आंदोलन किया है, इसको ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया है। और गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का मुख्य शहर है, उनका कार्यस्थली है, ऐसे में यहां से भी काफी जमकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और इसके लिए भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और इसके साथ पुलिस महकमे ने उनको उठा करके हिरासत में लिया है, उसके बाद उसका 151 में चालान किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस पे जो है बहुत उग्र होकर के प्रदर्शन कर रही है, जिससे कि सरकार पे दबाव डाल सके। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि हम मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो कभी भी मुद्दों को उठाने नहीं देना चाहती है और हमको हर तरीके से दबाने की कोशिश किया जाता है, और कांग्रेस को कहीं भी स्टैंड नहीं करने देती है कि विपक्ष के रूप में वो खड़ी हो सके। जी, अगर गोरखपुर की बात करी जाए हिमांशु, तो कौन कौन से नेता को हिरासत में लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? सीखा बता दें कि गोरखपुर जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान जो है वो भी यहाँ पे मौजूद थी, और उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक जुलूस के शक्ल में निकालने की कोशिश भी किया और उसके बाद गोलघर चौराहे पे वो लोग लेट गए और वहीं पे प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इसके बाद जो है, चूंकि कलेक्ट्रेट के ठीक पास है, तो ऐसे में पूरी पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद थी, कैंट, कोतवाली, शाहपुर, हर जगह की पुलिस, और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंच चुके थे, और उनको तुरंत जो है हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की कोशिश किया गया। जी विभांशु, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करी जाए तो कहां कहां प्रदर्शन देखने को मिला आज और कौन कौन से नेता हिरासत में लिए गए? आज बढ़ती महंगाई और जीएसटी को लेकर, साथ ही साथ सरकार की नीतियों को लेकर, जहां राजधानी दिल्ली समेत जो तमाम प्रदेश है देश के, वहां महंगाई और इन तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही थी। उसी क्रम में अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो राजधानी लखनऊ की मैं प्रदेश मुख्यालय पे हूं, जहां आपको बताएं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां से निकलकर और राजभवन तक पद यात्रा करना चाहते थे। उससे ठीक पहले ही जो आसपास के संपर्क मार्ग है उस पर बैरिकेटिंग लगाकर इन्हें पहले ही रोक दिया गया। उसी क्रम में आपको बताएं कि जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया। अगर बात की जाए तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नकुल दुबे को हाउस अरेस्ट किया गया, वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री नसरुद्दीन सिद्दीकी को भी हाउस अरेस्ट किया गया। साथ ही कांग्रेस की तरफ से जब नकुल दुबे से बयान लिया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम हर दिन इस हत्या को देख रहे हैं और चुप बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी इस पर चुप नहीं बैठेगी और कांग्रेस पार्टी जो सरकार की नीतियां हैं उसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। वहीं आपने देखा, जहां एक तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और वहीं संसद के अंदर में काले लिबास में पहनकर सोनिया गांधी की अगुवाई में तमाम नेता आज वहां नारेबाजी की, उसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही देखने को मिला। और वहीं जब पुलिस प्रशासन से जब बैरिकेटिंग तोड़कर जो कार्यकर्ता है वो निकल रहे थे, तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें हिरासत में लेकर डिटेन करके और इको गार्डन भेज दिया। और इसके बाद आपको बताएं कि जो कांग्रेस किसान के पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से एकाएक वो निकलते हैं और राजभवन की तरफ बढ़ते हैं, और राजभवन के ठीक सामने पुलिस उन्हें डिटेन कर लेती है और उन्हें डिटेन करके इको गार्डन भेज दिया जाता है। इसी क्रम में आपको बताएं कि ये प्रदर्शन आज कांग्रेस के हर एक प्रकोष्ठों में मनाया गया। साथ ही साथ जो देश के अनेक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले हैं, वहां पे प्रदर्शन देखने को मिला। और मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय में भी आज हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आकर और जो सरकार की नीतियां हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में जो जीएसटी को बढ़ाया गया है, साथ ही साथ जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है, इसके विरोध में नारे भी लगाए गए। जैसे कहा जी विभांशु, क्या ये ब्लैक फ्राइडे सिर्फ फ्राइडे तक ही सीमित रहेगा या फिर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आगे भी प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, क्या जानकारी है?
जी शिखा, आपको बताया कि जो तमाम बड़े नेता हैं उनके अगर संबोधन और उनके मीडिया बाइट्स की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस पे ये कह रही है कि हम जो पूरी नीति है, जो महंगाई है, जीएसटी की बढ़ोतरी है, इसका प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो मीडिया से रूबरू होने के वक्त अपने शर्ट पे ब्लैक टेप लगाकर उसका विरोध जताते हैं और प्रदर्शन की बात कहते हैं और पूरी जो जिसको लेकर प्रदर्शन हुआ उसको मीडिया से संबोधन में बताते हैं। उसी को अपने जहां संसद के अंदर में काले लिबास पहनकर कांग्रेसी जो सांसद है वो संसद जाते हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो सोनिया गांधी की मौजूदगी में और सोनिया गांधी की अध्यक्षता में तमाम जो कांग्रेसी सांसद है वो काले लिबास में पहनते हैं और ब्लैक फ्राइडे इसको डे मानकर आज प्रदर्शन किए। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे भी कई कार्यकर्ता पदाधिकारी काले लिबास पहनकर और नारे लगाते हुए देखे गए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से और विभांशु जुड़े थे लखनऊ से। रुक करते अगली खबर की तरफ। वाराणसी में सीएम योगी ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सारनाथ और फुलवरिया फोर लेन के निर्माण की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने प्रोजेक्ट के जरिए निर्माणाधीन फुलवरिया लाहर तारा ओवरब्रिज का प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद सीएम ने पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों को दिसंबर तक फुलवरिया फोर लेन के काम को गुणवत्ता के साथ समय के अंदर पूरा किए जाने के आदेश दिए हैं। तो विकास कार्यों के ऊपर योगी आदित्यनाथ 2.0 का काफी जोर देखने को मिल रहा है। काफी तेजी से विकास कार्यों को करवाने और गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करवाने के लिए योगी सरकार तत्पर नजर आ रही है। तो वहीं वाराणसी में भी सीएम योगी ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल सारनाथ और फुलवरिया फोर लेन के निर्माण की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया है। खुद निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। तो मंडलायुक्त ने प्रेजेंट प्रोजेक्ट के जरिए निर्माणाधीन फुलवरिया लाहर और तारा ओवरब्रिज का प्रेजेंटेशन पेश किया है। और इस खबर पे हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता आफ्ताब जुड़ चुके हैं। आफ्ताब, जिस तरह से आज निर्माणाधीन फुलवरिया लाहर तारा ओवरब्रिज का साथ ही साथ अस्पताल का निरीक्षण किया सीएम ने, क्या कुछ निर्देश देते हुए नजर आए हैं सीएम? जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों की हकीकत जानी, सीएम से सीएम ने संबंधित विभागों विभागीय अफसरों को समाधान का निर्देश दे दिया। कोरोना के प्रकर्षण डोज लगाने का काम मिशन मोड में करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का समीक्षा के दौरान बड़े व साथी अपराधियों को विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि धर्म स्थलों का ध्वनि वितरण जो यंत्रों का उतरवाने का जो निरंतर कार्रवाई करते रहे ताकि उसमें कोई रुकावट ना हो। क्योंकि आदित्यनाथ से गुरुवार रात फुलवरिया फोर लेन के निर्माण की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। मंडल आयुक्त ने प्रोजेक्ट के जरिए निर्माणाधीन फुलवरिया लहतारा ओवरब्रिज का प्रोजेक्ट जो प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि दिसंबर तक फुलवरिया फोर लेन का कार्य पूरा किया जाएगा। सीएम ने प्रगति जानने के बाद पीडब्ल्यूडी के सेतु निगम के अधिकारी से गुणवत्ता के साथ समय के अंदर कार्य पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। जी आफ्ताब, ऐसा देखा जाता है कि काम समय में पूरा करने के साथ साथ कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी होती है और सीएम ने इस बात पर जोर देते हुए ये कहा भी है कि गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और दिसंबर तक काम पूरा होना चाहिए। तो अधिकारियों का किस पे क्या रिएक्शन सामने आया है, उनके द्वारा क्या कहा गया, किस तरह से आश्वासन दिया गया? जी आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे, जहां फुलवरिया फोर लेन के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आपको बता दें कि वो काफी नाराज भी दिखे, क्योंकि पहले जो है कि उन्होंने इसको धीमी रफ्तार पर निशाना निराशा जताई, क्योंकि परियोजना को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। और बता दें आपको कि फुलवरिया फोर लेन में प्रदेश के केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना के केंद्रीय कारागार के लहतारा तक बन रहे उस पुल के कार्य की धीमी रफ्तार पर मुख्यमंत्री पहले भी नाराजगी जता चुके हैं। पहले दिनों प्रधानमंत्री ने अपने दौरे में दौरान फुलवरिया फोर लेन का कार्य की चर्चा की थी। यह फोर लेन जो है वो फुलवरिया व लहतारा क्रॉसिंग के अलावा लहतारा चौराहे के ऊपर सेतु निगम का निर्माण नहीं हो सकता है। वहीं चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक गोविंद ने बताया कि सीएम योगी ने फोर लेन का निरीक्षण कर कार्य को तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने भी कहा है कि दिसंबर 2022 तक फुलवरिया फोर लेन का काम पूरा कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता आफ्ताब आलम जुड़े थे।
अलीगढ़ में कॉलेजों में फीस और प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं एबीवीपी के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने वाइस चांसलर कार्यालय में पैदल मार्च निकाला, साथ ही छात्रों ने कार्यालय का घेराव भी किया। एबीवीपी पदाधिकारियों ने छात्र छात्राओं ने कॉलेजों में मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया है, वहीं इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी है, जिससे पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी को भी तैनात कर दिया गया है। अलीगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। कॉलेजों में फीस और प्रवेश पत्र के नाम पर जो वसूली की जा रही है, उसको लेके आक्रोशित नजर आए, गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने पैदल मार्च निकाला है। अलीगढ़ से ये खबर सामने आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मनमानी फीस और प्रवेश पत्र को लेकर जो मनमानी चल रही है, उसको लेकर एबीवीपी के छात्रों ने यह पैदल मार्च निकाला। अवैध वसूली को लेकर काफी आक्रोशित नजर आए हैं एबीवीपी के छात्र और छात्राएं। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने इस मुद्दे को उठाया है। कॉलेज में फीस प्रवेश पत्र की जो अवैध वसूली करी जा रही है, उसको लेकर काफी आक्रोशित नजर आए हैं। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी जिले से ऐसी खबर सामने आ रही हो, जहां किसी विद्यालय से या फिर किसी विश्वविद्यालय से अवैध वसूली की जाती हो। और अभी अलीगढ़ से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पे एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने आवाज उठाई है अवैध वसूली को लेके, और ये बताया जा रहा है कि कॉलेजों में फीस और प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। और जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन को और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है, ताकि जो शांति व्यवस्था है उसको कायम रखा जा सके। और इस खबर पे अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं। नितेश, पूरी जानकारी चाहेंगे। अवैध वसूली की बात कही जा रही है, क्या और भी कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है छात्र छात्राओं को, जिसकी वजह से एबीवीपी के छात्रों ने यह प्रदर्शन किया, मार्च निकाला? इसका मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के डिग्री कॉलेज का है। अतिरिक्त फीस को लेकर प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली को लेकर अखिल भारतीय द्वारा ये सैकड़ों छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया है और फ्लैग मार्च निकाला है जी। और बताया जा रहा है, उनका आरोप है कि हमसे अवैध वसूली करी जा रही है। अवैध वसूली के नाम पर 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए ऐसे पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने 2000 रुपए फीस भी जमा कर दी है जी। अगर बात करी जाए पुलिस प्रशासन की, तो ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन तैनात कर दिए गए हैं, आला अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से आज फ्लैग मार्च निकाला गया और विरोध जताया गया है, इसको देखते हुए क्या कोई आश्वासन भी दिया गया है छात्र छात्राओं को? मैं आपको बता दूं, प्रशासन की बात करिए, प्रशासन द्वारा लगातार बहुत भारी संख्या में तैनात है। और अगर छात्रों की अगर बात करी जाए, तो छात्रों द्वारा लगातार प्रदर्शन जारी है, और उनको आश्वासन की बात करी जाए तो आश्वासन दिया गया है कि बीसी के द्वारा एक आश्वासन आया है कि छात्रों को गलतफहमी हो गई है, हमने कुछ तरीके से बताना था और उनको कुछ समझ में और कुछ आ गया है जी, इस तरीके की बात कही जा रही है जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अलीगढ़ से हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे इस खबर में। रुक करते अगली खबर का। हरदोई में सपा कार्यालय में साफ सफाई का काम करने वाली महिला ने सपा जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जिलाध्यक्ष उस पर गंदी नीयत रखते हैं और अपने घर में काम कराना चाहते थे। जिलाध्यक्ष की गंदी नीयत के चलते महिला ने जब घर में काम करने से इनकार किया, तो उसे कार्यालय से नौकरी से निकाल दिया। उत्पीड़न के खिलाफ महिला ने लखनऊ जाकर डिंपल यादव और पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हरदोई से अब ये खबर सामने आ रही है। अदजी ने कहा हमारे घर पे आओ, चौका बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो। हमने कहा नहीं कर पाएंगे, पूरी नज़र से देखते, तो हमको कहने लगे मैं नहीं रखूँगा। हमने कहा ना रखो, फिर हमारे संग गलत काम पूरा करने चाहते थे। सारे आरोप झूठे हैं, उनको नौकरी से हटा दिया गया। उनको नौकरी से हटाने के बाद इस तरह के बातें सामने आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस चीज़ से वाकिफ हैं। नौकरी पर रखना और हटाना, ये हर ऑफिस में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे प्राइवेट ऑफिसेज हो, कर्मचारी को रखने हटाने का उनका अधिकार होता है, और समय अनुसार कर्मचारी बदले जाते हैं, ये कोई नई बात है। अदजी ने कहा हमारे घर पे आओ, चौका बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो। हमने कहा नहीं कर पाएंगे,
बुरी नज़र से देखते, तो हमको कहने लगे मैं नहीं रखूँगा। हमने कहना तो हरदोई से खबर सामने आ रही है जहां काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया है, तो वहीं हरदोई के जिला अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। और इस खबर पे हमारे साथ हरदोई से संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। हर्षराज, महिला ने कहा है कि उसके ऊपर गंदी नीयत रखते थे, तो वहीं जिला अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है, तो हम दोनों का बयान सुनने के बाद क्या निष्कर्ष निकल रहा है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? ये तो बताना आपको मुश्किल होगा, लेकिन कहने वाली बात होगी कि जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि आरोप बेबुनियाद है, लेकिन जो पीड़ित है वो बराबर आरोप लगा रहे हैं। 6 दिन से सपा कार्यालय पे बैठ के धरना दे रही है कि हमको न्याय मिले। उन्होंने लखनऊ जाके डिंपल यादव से मुलाकात की, पुलिस से भी अपनी शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई ना होने से वो सपा कार्यालय पे 6 दिन से अपनी चारपाई डाल के धरने पे बैठी हुई है। जी, तो इसके बाद जब जिला अध्यक्ष का ये बयान सामने आया है और पीड़िता ने बताया कि डिंपल यादव से भी शिकायत करिए, पुलिस से भी शिकायत करिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अब इस तरह से वो बैठ गई है एकदम चारपाई डाल के, तो क्या लगता है उसको कोई आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई करी जाएगी या नहीं? कह रही है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो 6 दिन से लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उस हिसाब से लगता है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ हरदोई संवाददाता हर्षराज सिंह जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।